आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। कैसे आप लोग सब बढ़िया है ना। आज हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू बी और साथ ही हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे वुड लाइक टू बी के। कल आपने वुड लाइक टू की क्लास पढ़ी थी, आज हम वुड लाइक टू बी की क्लास पढ़ेंगे और ये क्लास भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियोस हैं, जो वुड लाइक टू है, वुड लाइक टू बी है, वुड लाइक टू हैव है, तो मोस्टली मैंने देखा है यूट्यूब पर या फिर गूगल पर भी मैं सर्च करता हूँ टॉपिक की ये मिलता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं मिलता है, बहुत कम है कि मिलता जुलता मिल जाए। वरना जो भी मैंने क्लास देखी है वुड लाइक टू बी की, जो भी यूट्यूब पर देखी है, तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि वुड लाइक टू के बी और हैव एक क्लास में ख़त्म करा देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत गहराई से समझेंगे। ओके, तो आप ये नहीं सोचना कि वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, आप बिल्कुल मत सोचना। सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, सेंटेंस बनाने पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने इसका कोर्स ही नाम रखा है स्पेशल कोर्स, इंग्लिश स्पोकन बैच, एक स्पेशली बैच है सिर्फ आपके लिए है। और केवल केवल इसमें आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी, बहुत बारीकी से छोटे से छोटे सेंटेंस, छोटे से छोटी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर मुश्किल है मिलना, क्योंकि बहुत कम है जो मिल जाता है। मिल तो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना मिले, लेकिन मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। और मिलता क्या है, यूट्यूब पर बहुत फेमस चीज़ें मिलती है, बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसके ज़्यादा सर्च हो, लेकिन ऐसे वीडियो का सर्च भी ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट्स ज़्यादा सर्च नहीं करते क्योंकि वो देखते नहीं है। लेकिन अगर आप इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, साथ ही आज हम वोकैब भी लाया हूँ आपके बीच में। तो वोकैब तो मैं हर बार लाता हूँ, तो ये 5 या 6 वोकैब हैं, आज तो 5 ही वोकैब में है, तो इसके भी हम आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और न्यू वोकैब है आपको सेंटेंस बनाने, इसके मस्त अच्छे वाले सेंटेंस बनाने हैं, साथ ही साथ आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है। तो याद रखना कि जितनी भी वोकैब मैं करा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, इसके सेंटेंस बनाना है, आप जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, सेंटेंस बनाना और बोलना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो फर्स्ट मीनिंग पर जाते हैं। ओके, मीनिंग है जो ज़्यादा ऐसी मीनिंग नहीं, अलग से सिर्फ सुनी सुना ही मीनिंग है, लेकिन ज़्यादातर आपने सुना होगा। ओके, तो फर्स्ट मीनिंग इज डैट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस कर देना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, मैं एक प्रकार का इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, प्रभावित कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो आप समझ सकते हो कि इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना। क्या होता है इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित करना, क्या होता है प्रभावित करना। ओके, इन्फ्लुएंस करना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हम लोगों को प्रभावित करते हैं, तो क्या बनाएंगे, वी इन्फ्लुएंस पीपल। क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल, डू यू वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। या फिर आप इन्फ्लुएंस करना चाहोगे, यू वुड लाइक टू इन्फ्लुएंस पीपल। ओके, दूसरा डिवाइन, डिवाइन मीन्स दिव्य, कोई चीज़ दिव्य है, डिवाइन थोड़ी अलग से। ओके, जैसे हम वैसे जो हम बोलते हैं ना कि जो मैजिकल चीज़ें ज़्यादा, तो उसमें यूज़ है दिव्य चीज़ें, दिव्य है। जैसे हिंदुज़्म से मैं शायद, हाँ सर रिलेटेड है, तो ये चैनल क्या होता है, डिवाइन, डिवाइन मीन्स क्या होता है, दिव्य, मतलब दिव्य मतलब एक अपन कह सकते हैं एक अनोखी चीज़ है, एक अनोखी यूनिक चीज़ है, वैसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में एक दिव्य है, दिव्य प्लैनेट है, दिव्य ग्रह है, तो बोल सकते हैं कि अर्थ इज डिवाइन प्लैनेट, अर्थ इज डिवाइन प्लैनेट, बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थर्ड मीनिंग है आपने सुनी सुना होगा, डिफेंड करना, हम बोलते हैं ना डिफेंड करना, अपने बचाव करना, जो बचाव करना अपना, बचाव करना मीन्स क्या होता है, डिफेंड करना मीन्स होता है, चाहे बॉर्डर पे अपने जो सैनिक हैं वो अपने देश वो बचाव करते हैं, देश का बचाव करते हैं, या फिर कोई केसेस है जैसे आपने देखा होगा कि एक मतलब कि रक्षा करना, या फिर आपने देखा होगा ज़्यादातर कि जो केसेस वगैरह लगते हैं तो उसमें डिफेंड एक रॉयल लॉयर रहता है, मतलब बचाव के लिए एक रहता है पक्ष में एक विपक्ष में, ये डिफेंड ही है। ओके, तो बोल सकते हैं बचाव करना, तो हम बोल सकते हैं कि सरकार सरकार लोगों को लोगों का बचाव करना चाहती है, सरकार अडानी अंबानी का बचाव करना चाहती है, बना सकते हैं, तो गवर्नमेंट वांट्स टू डिफेंड ऑफ अडानी एंड अंबानी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, फोर्थ मीनिंग है जो है ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मीन्स होता है कब्जा करना, किसी जो ज़मीन है, चाहे घर हो,
चाहे इंटरनल इशू की बात कर लें, क्या होता है, कब्जा करना होता है, ऑक्यूपाई करना। जैसे हमने नाम सुना होगा POK, सुना होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ऐसे कुछ नाम है POK, ऐसे कुछ है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। तो ऑक्यूपाई मीन्स जहाँ कब्जा है, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, इसलिए बताऊँ POK पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। जो कश्मीर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो थोड़ा सा चिट्टू सा उनके पास भी है थोड़ा कश्मीर, तो उसे हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, मतलब जहाँ कब्जा है, जैसे किसी चाहे घर हो चाहे लैंड हो, डिस्प्यूट जगह हो, तो वहाँ क्या हम बोलते हैं, ऑक्यूपाई करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के भारत POK पर ऑक्यूपाई कब्जा करना चाहती है, भारत POK पर कब्जा करना चाहती है, तो इंडिया वॉन्ट्स टू ऑक्यूपाई ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, बना सकते हैं बिल्कुल। ये जो मीनिंग है ये वाली मीनिंग फॉर्मर, ध्यान रखना, एक होता है फार्मर, ये क्या होता है फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स होता है किसान, एक होता है फार्मर, ठीक है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन, एक होता है फॉर्मर, ठीक है, तो इसमें किसका अंतर है, इसमें ओ है, इसमें ए है, बस इतना अंतर है। तो अगर ए और ओ चेंज हो गया तो अर्थ का अर्थ हो गया, तो फॉर्मर से पूर्व, जो चीज पूर्व है, जैसे हम बोल सकते हैं भूतपूर्व चाहे सैनिक की बात करो, चाहे हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूर्व सरपंच से बोल सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बोल सकते हैं फार्मर मीन्स होता है किसान। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि मैंने पूर्व प्रधानमंत्री का भाषण सुना, मैंने पूर्व प्रधानमंत्री का भाषण सुना, तो क्या बोलेंगे, आई लिसन्ड द स्पीच ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया आई होप। तो साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं, वुड लाइक टू बी बहुत यूनिक है, यूट्यूब पर मैंने दोबारा रिसर्च किया, कहीं नहीं मिला, तो जो YouTube पर नहीं मिलेगा वो ECLE पर मिलेगा। वैसे तो YouTube ही ECLE के अंदर आता है, लेकिन जो अदर चैनल्स पर नहीं मिलेगा। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे आज, वुड लाइक टू बी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, वुड लाइक टू बी। ओके, वुड लाइक टू बी का मतलब होता है, जैसे मैंने हमने पढ़ा है, बनना चाहेगा, चाहेंगे पढ़ा है, तो इसमें बनना या होना जो वो पुरानी प्रकार की जो प्रथा है। ओके, तो इसमें होगा बनना चाहेगा या फिर होना चाहेगा, क्या होगा, बनना या होना चाहेगा, बना सकते हैं, बनना या होना चाहेगा, क्या होगा, चाहेगी, ठीक है, और चाहेंगी कर दे, एक ही मात्रा कर दे यहाँ पे, बनना चाहेगी, ठीक है। अगर इसकी कोई अदर जो पहचान होगी वो मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, वाह वाह। ओके, तो बनना, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बना बोल सकते हैं कि आप शिक्षित होना चाहोगे, मैं ईमानदार होना चाहूँगी, आप बनना चाहूँगी, आप साइंटिस्ट बनना चाहोगे, वे प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहोगे, बच्चे सैनिक बनना चाहेंगे, बोल सकते हैं, या बच्चे द अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, वो हम बोल सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं, आप जागरूक होना चाहोगे, बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही बनाना है, तो आप कुछ 5-6 सेंटेंस लिख लेते हैं। ओके, और क्लास में आप बने रहना, जैसे बोल सकते हैं कि आप जागरूक होना चाहोगे, ठीक है, बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, ठीक है, हम ईमानदार होना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे ईमानदार होना, इसे बोल लगाता हूँ, चाहेंगे, सरपंच बनना चाहेंगे, चुनावी आ रहा है ना, सरपंच बनना चाहेंगे, या प्रधान बोलते हैं, लिखो, मोहित ऑफिसर बनना चाहेगा, बोल सकते हैं, ऑफिसर बनना चाहेगा,
ओके, तो ऐसे आराम से हम बना सकते हैं, चाहेगा चाहेगी चाहेंगे, चाहेगा चाहेगी चाहेंगे। ओके, तो आप बहुत ध्यान से देखना स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब सेम ही आप बना सकते हो आई थिंक। तो लेकिन फिर भी अपन 6 स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसी प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, क्या लेते हैं हम, ये इसको कर दूँ ठीक है, सब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक ठीक है, प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अगर पहली बार कोई क्लास देख रहे हो तो वुड वाली क्लास आप देख लेना, एन मीन्स नाउन, ई मीन्स एडजेक्टिव, अंडरस्टैंड, कैसे नाउन आएगा एडजेक्टिव आएगा ठीक है। नेगेटिव बनाओ, सब्जेक्ट प्लस वुड के बाद नॉट लगेगा, ध्यान रखना हमेशा, वुड आएगा फिर उसके बाद नॉट आएगा ठीक है। यहाँ लाइक के बाद नॉट लगाना, लाइक और टू के बीच ध्यान से ठीक है, प्लस टू आएगा ठीक है, प्लस बी प्लस नाउन और ऑब्लिक एडजेक्टिव बन गया, ऐसे बन गया। ऐसे फोर्थ वाला बना लो, सॉरी थर्ड वाला इंटोगेटिव, बोर्ड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कहलाते हैं, एक बार मैं क्लियर कर दूँ, ये सब्जेक्ट है ठीक है, ये क्या है, जागरूक, यू आर जागरूक, ये एडजेक्टिव है ठीक है, और बोर्ड लाइक टू तो आएगा ऐसे ठीक है। तो बोर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस बी और नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, ऐसा ही फोर्थ वाला ले लो अपन, फोर्थ वाला ले लो, बुड प्लस सब्जेक्ट, फिर ध्यान रखना ठीक है। अब कहाँ क्या बुड की बात नॉट नहीं लगे, यहाँ लगे सब्जेक्ट का नॉट लगेगा, लगा दो लाइक लगा लिख दो, प्लस टू प्लस बी और प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, हो गया हो गया ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन वर्ड वाला भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, और जो अगर पहली बार मतलब जो देखता रहेगा तो वो एक सेंटेंस अगर हम बता दूंगा तो वो बना लेगा आसानी से। क्वेश्चन वर्ड बुड प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद लाइक आएगा ठीक है, प्लस टू आएगा, प्लस बी आएगा और प्लस नाउन आएगा, प्लस एडजेक्टिव आएगा, आ गया ऐसा ही। ये वाला देख लो, लास्ट वाला बुड प्लस सब्जेक्ट, तो फिर ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट लेगा हमेशा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद नॉट लेगा ठीक है, प्लस टू प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ठीक है सब एक हाँ ठीक है, प्लस लाइक आ गया ठीक है, प्लस टू और प्लस बी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, मैं सोचा था यहाँ सब नहीं गलत लिख दिया। ओके, तो आप बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर देख लो, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सेंटेंस बनाना है, किसी इसको देख कर स्ट्रक्चर को देख कर बनाना है। तो एक मैं सेंटेंस बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को देख कर, जो भी अगर पहली बार भी देख रहा होगा इस वीडियो को तो वो भी आसानी से सेंटेंस को बना सकता है। कैसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें पहला सेंटेंस बनाओ कि आप जागरूक होना चाहोगे, कौन चाहेगा, आप, तो आप जागरूक होना चाहोगे ठीक है, होना चाहोगे चाहोगे ओके। बहुत ध्यान से देखना, सब्जेक्ट मैंने कौन बताया था, ऐसे बताता नहीं हूँ लेकिन इसमें बता दूँ, सब्जेक्ट कौन है भाई, फर्स्ट वाला है आप है, जो करता है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आप मीन्स करता है यू ठीक है, और वुड लाइक टू सीधा लिखो, तो वुड लाइक टू चाहेगा का मतलब होगा वुड लाइक टू, यू वुड लाइक और टू ठीक है, यू वुड लाइक टू बी, बी का सेंस होता होना या बनना, तो यू वुड लाइक टू बी, अब क्या है, या फिर नाउन आएगा एडजेक्टिव आएगा, या फिर नाउन आएगा एडजेक्टिव आएगा, क्या है ऐसे, ये क्या है, ये अपना एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव ठीक है। तो जागरूक मीन्स होता है क्या, यू वॉन्ट टू बी अवेयर, यू वॉन्ट टू बी अवेयर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे ऐसे। नेगेटिव बना लो, हिंदी अंग्रेजी दोनों बनाना है, आप जागरूक होना नहीं चाहोगे, जागरूक होना नहीं चाहोगे, होना नहीं चाहोगे, तो चाहो कि, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मैं पहले ऐसे बता रहा हूँ, आप बना सकते हो, लेकिन जो पहली बार दिख रहा है क्या आएगा, यू वुड, वुड आ गया, नॉट लगा दो, वुड के बाद नॉट लगाया था ना, यू वुड नॉट लाइक टू बी अवेयर, आर यू अवेयर ठीक है, क्या आप जागरूक होना चाहोगे, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाओ भैया, क्या आप जागरूक होना चाहोगे, क्या आप जागरूक होना चाहोगे, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्या आएगा, वुड यू लाइक, देखो वुड है सब्जेक्ट में लाइक फिर टू बी अवेयर बन गया, तीन सेंटेंस बन गए, अपन को 6 बनाने हैं। अब क्या आप जागरूक होना नहीं चाहोगे, बना सकते हैं,
बिल्कुल बना सकते हैं। क्या आप जागरूक होना नहीं चाहेंगे? जो पहली बार भी देख रहा होगा ना वो भी सीख जाएगा, आई थिंक आप भी सीख जाओगे। तो क्या तो आएगा वुड, ठीक है। अब आपकी जगह आपकी मीनिंग क्या है, यू वुड यू, ठीक है। नहीं चाहोगे ना यहाँ, क्या आप जागरूक होना नहीं, यहाँ नहीं कह दो। यू के सब्जेक्ट वाला नोट लगाया था ना, ये लगाया था, तो वुड यू, यू वुड नॉट, नोट आ गया लाइक प्लस टू प्लस बी अवेयर आ गया, बिल्कुल आ गया। आप जागरूक होना कब चाहोगे, कब जागोगे भाई, आप जागरूक होना कब चाहोगे, कब कब चाहोगे, जब चाहोगे तभी जागरूक हो जाओगे। कब, कब की मीनिंग होता है वैन, ठीक है, मैंने बताया वैन वुड यू, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वैन वुड आ गया, यू आ गया, वैन वुड यू, वैन वुड यू लाइक टू बी अवेयर, जैसे लिख दिया जैसा है वैसे लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिख दो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा दो। आप जागरूक होना कब नहीं चाहोगे, आप जागरूक होना कब नहीं चाहोगे, कब नहीं चाहोगे, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ऐसे बनाएंगे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा ऐसा एक एक चीज। वैन वुड यू, यू के बाद नॉट लगता है ना, ये लगा ना सब्जेक्ट के बाद नॉट, वैन वुड यू नॉट लाइक टू अवेयर, ठीक है। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका सेंटेंस आकर हमें बनाने कैसे है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कैसे करनी है, जो भी पहली बार देख रहे होगी और जो बनाता रहेगा तो पता बना जाएगा, वुड पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू की ऐसा सेंटेंस बनाने बना सकते हैं। तो आप जागरूक होना चाहोगे यू वुड लाइक टू बी अवेयर, आप जागरूक होना नहीं चाहोगे यू वुड नॉट लाइक टू बी अवेयर, क्या आप जागरूक होना चाहोगे वुड यू लाइक टू बी अवेयर, क्या आप जागरूक होना नहीं चाहोगे वुड यू नॉट लाइक टू बी अवेयर, आप जागरूक होना कब चाहोगे वैन वुड यू लाइक टू बी अवेयर, आप जागरूक होना कब नहीं चाहोगे वैन वुड यू नॉट लाइक टू बी अवेयर, कर लिया ऐसे हमने सेंटेंस बना लिया, एक की छः ऐसी हिंदी अंग्रेजी में, ओके। अब बनाओ सेंटेंस, बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, बच्चे मीन्स क्या होते चिल्ड्रन, आपको सिर्फ क्या रखा याद रखना है, सब्जेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट बच्चे, वैज्ञानिक मीन्स होता है साइंटिस्ट, ओके। तो वुड लाइक टू बनाए लोगे तो बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, क्या आएगा चिल्ड्रन वुड लाइक टू बी साइंटिस्ट, बच्चे वैज्ञानिक बनना नहीं चाहेंगे चिल्ड्रन वुड नॉट लाइक टू बी साइंटिस्ट, क्या बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहेंगे वुड चिल्ड्रन लाइक टू बी साइंटिस्ट बना सकते हैं, क्या बच्चे वैज्ञानिक बनना नहीं चाहेंगे वुड चिल्ड्रन नॉट लाइक टू बी साइंटिस्ट, बच्चे किसकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, हो सकता डॉक्टर पी जे अब्दुल कलाम की तरह, न्यूटन की तरह, बच्चे किसकी तरह वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, क्या है एवर बींग होम वुड चिल्ड्रन लाइक टू बी साइंटिस्ट, बच्चे किसकी तरह वैज्ञानिक बनना नहीं चाहेंगे, किसकी तरह एवर बींग होम वुड चिल्ड्रन नॉट लाइक टू बी साइंटिस्ट, बन गया वे सरपंच बनना चाहेंगे, वे मीन्स दे वुड लाइक टू बी, दे वुड लाइक टू बी सरपंच, सरपंच को शायद सरपंच बोलते हैं, ओके मुझे यही पता है, वे सरपंच बनना नहीं चाहेंगे दे वुड नॉट लाइक टू बी सरपंच, क्या वे सरपंच बनना चाहेंगे वुड दे लाइक टू बी सरपंच, क्या वे सरपंच बनना नहीं चाहेंगे वुड दे नॉट लाइक टू बी सरपंच, वे सरपंच बनना कैसे चाहेंगे हाउ वुड दे लाइक टू बी सरपंच, वे सरपंच बनना कैसे नहीं चाहेंगे हाउ वुड दे नॉट लाइक टू बी सरपंच, गाँव में सरपंच होता है, शहर में पार्षद होता है, जो सबसे नीचे वाला रहता है ना, सबसे जो मतलब वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर रहता है, जिसे हम पार्षद बोलते हैं वार्ड का जो मेंबर, ठीक है। मोहित ऑफिसर बनना चाहेगा, मोहित मोहित वुड लाइक टू बी ऑफिसर, मोहित ऑफिसर बनना नहीं चाहेगा मोहित वुड नॉट लाइक टू बी ऑफिसर, क्या मोहित ऑफिसर बनना चाहेगा वुड मोहित लाइक टू बी ऑफिसर, क्या मोहित ऑफिसर बनना नहीं चाहेगा वुड मोहित नॉट लाइक टू बी ऑफिसर, मोहित ऑफिसर बनना क्यों चाहेगा वाई वुड मोहित लाइक टू बी ऑफिसर, मोहित ऑफिसर बनना क्यों नहीं चाहेगा वाई वुड मोहित नॉट लाइक टू बी ऑफिसर, कल ही हमने प्रैक्टिस ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ऐसे सेंटेंस को बोलना, अगर पहली बार भी आप देख रहे होगे तो आई होप आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपने सेंटेंस बनाने आएगा यूट्यूब पर पहली बार वर्ड लाइक टू बी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर पहली बार, कोई नहीं
अभी तक तो मतलब जहाँ तक मैंने सर्च किया है सर्च इंजन में यूट्यूब रहता है उस समय तो मुझे मिला नहीं है ओके वुड लाइक टू बी, मैं यूट्यूब पर अभी तक नहीं मिला, वुड लाइक टू बी नहीं मिला मुझे अभी तक, ठीक है, हिंदी में जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ ओके। तो आपकी ये क्लास थी, आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपने ई सी एल ई का जो टेलीग्राम चैनल है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, किसका, ई सी एल ई, ई सी एल ई का अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस की आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको इसके कम से कम 10 सेंटेंस बनाने हैं और साथ ही साथ जो मैंने वोकैब आपको बताई थी वो भी आपको बनाना है ओके। तो फिर से बोल रहा हूँ ओके, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स से बताएं ओके। और यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।